राजस्थानी सैनिक क्षत्रिय माली संघ की जानिब से बेगम बाजार में एक एहतजाज किया गया, जिसमें ऋषिका सोलंकी उम्र 23 साल, जिसकी मौत वाक़े हुई जीडीमेटला पुलिस स्टेशन हदूद खुदबुल्लापुर हलके में। ऋषिका सोलंकी के माता पिता का कहना है कि ऋषिका का कत्ल किया गया दहेज ना देने की वजह से। ऋषिका की शादी 4 साल कबल हुई, जिनके एक 2 साल का बेटा भी है, और दहेज मांगते हुए ना देने की वजह से ऋषिका की मौत का कारण बन गई। सुमन सांकला और संजयलाल सांकला ने जीडीमेटला पुलिस से शिकायत की है कि उनकी बेटी का कत्ल हुआ है और इंसाफ की मांग की है। आज राजस्थानी सैनिक क्षत्रिय संघ और दीगर महिला संघ ने इस कैंडल रैली में हिस्सा लिया और ऋषिका सोलंकी के इंसाफ की मांग की है। हैदराबाद सिकंदराबाद माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष हूँ। ये जो घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजस्थानी समाज हमारा संस्कृति समाज माना जाता है, इसमें ऐसी घटना होना, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना, बल्कि सब महिलाएं हम लोग जमा हुए हैं यहाँ पर, और आगे भी हम केसीआर जी से विनती करते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए और ऐसी पुनरावृत्ति हमारे समाज में न हो, इसके लिए उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया। अत्याचार हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग ये मोर्चा उठाए हैं और हम सबकी यही राय है कि उसको न्याय मिले, किसी भी तरह न्याय मिले, और समाज में ऐसा सभी समाज मारवाड़ी समाज में कभी ऐसा कोई कांड ना हो, इसके लिए हम लोगों ने कदम उठाया है और इसके लिए हमें सभी लोगों का साथ चाहिए, इसमें आप लोगों सहयोग देना है। सारे मारवाड़ी बंधुओं से ये निवेदन है कि वो लोग इसमें सहयोग करें और दोबारा ऐसा कार्य ना हो, और इसे जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे, और ऐसा काम हो नहीं दोबारा, दूसरी बार कोई ऐसा काम ना हो और रुचिका को पूर्ण न्याय मिले। अमरचंद सोलंकी और रामी देवी सोलंकी, क्या करते हैं? ये तीनों भी मेरे बच्चे को बहुत मार रही है, बिजनेस स्वीट हाउस और बच्चे को मारते थे, कितने बार तो मारे बच्चे को, कितनी दफे बच्चे मार खाता थे, घर पे माँ कहने आती थी, माँ समझा के वापस ले जाती थी उसको, लेकिन बच्चे को नानी के घर पे भी नहीं भी जाते थे, बच्चों के लिए वापस जाती थी। इधर देखते अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग इतने सारे, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि ऐसा काम मारवाड़ी समाज में कभी भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे के साथ करे वो उनके साथ भी होना चाहिए, मेरे बच्चे को फांसी देके मारे तो उनको भी फांसी होनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट करे आप? जी हाँ करे। क्या बोले पुलिस? जड़ीमेटला में करे जी, क्या बोले पुलिस? पुलिस वाले क्या बोले? अपना काम कर रहे, पुलिस क्या करेगी? जैसे वो उसको रुचिका को मारा गया उसी तरह उनके वो जो हत्यारे उनको मारा जाए, यही सबसे बड़ा न्याय होगा। उनको महसूस होता है हत्या किस तरह से की जाती है और उनको कैसा महसूस होता है, किसी को कितना दर्द होता है, मारते वक्त भी मार खाने के बाद में भी कितना दर्द होता है। एक मारवाड़ी समाज जो है शाकाहारी माना जाता, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल ये कर दिए, ये कसाईयों का काम है, जो कसाई का काम करते हैं लोग। और 8 घंटे तक लड़की को मार करके पंखे पे लटकाने के बाद 8 घंटे तक उसके माता पिता को भी सूचना नहीं दी गई, रात को 8 बजे के बाद 8 घंटे तक भी उसके पेरेंट्स को कोई खबर नहीं है, ऐसा भी कोई जल्लाद होते? बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और न्याय मिलना चाहिए रुचिका को, और ऐसा हादसा कभी भी किसी भी बहन बेटियों के साथ ना हो, पोता पोती के साथ भी नहीं होना चाहिए कभी भी, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा चीज है ये।